पेशेंट जुड़े हैं हमारे साथ सुमन श्रीवास्तव, और किडनी की समस्या थी और क्रिएटिनिन 8 तक पहुंच गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, बताएंगे डायलिसिस से कैसे इन्होंने निजात पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है। मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल से, और उन्होंने अभी क्रिएटिनिन लास्ट रिपोर्ट में मेरा 8 point something था जब डॉक्टर ने एडवाइस किया था डायलिसिस के लिए। सो नाउ फिर मेरे को कर्म आयुर्वेदा के बारे में पता चला, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, आपकी चीजों के बारे में समझा, फिर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी नाउ 8 से मेरा क्रिएटिनिन जो अभी गिर के आया लास्ट 1 year के अंदर इट्स 4 point something है। सो बहुत रिकवर है, हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है, डायलिसिस का भी कोई अभी ऐसा चांसेस नहीं है। और एलोपैथिक डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया था साथ के साथ एक रिव्यू लेने के लिए कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बॉडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये चीजें इक्वलाइज है या नहीं है। तो अभी चीजें काफी बेनिफिट में है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया एलोपैथिक ने भी कि अभी इसमें डायलिसिस वगैरह के लिए नहीं जाना। तो पहले तो काफी समस्या थी जब आप आए थे, 8 तक पहुंच गया था क्रिएटिनिन। हाँ। तो कहां से ट्रीटमेंट करा रहे थे उस समय एलोपैथिक में? प्राइवेट हॉस्पिटल था सर। कहां से प्राइवेट में? अपना सिविल लाइन हॉस्पिटल है सर प्राइवेट। अच्छा, तो उस समय काफी ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ गया था। राइट, 8.2 था। तो उस समय क्या बताया था डॉक्टर ने? डायलिसिस के लिए क्लियर कर दिया था उस टाइम, डायलिसिस के लिए बोल दिया। हाँ ठीक है। तो उस समय आपने डायलिसिस कराया? फिर डायलिसिस नहीं कराया, उसके बाद हमने कर्मा में एक बार ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया कि देखते हैं कि इसमें 2-3 महीने के अंदर अभी क्या रिजल्ट आता है। तो जब स्टार्ट किया यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना तो डायलिसिस की जगह पर क्रिएटिनिन मेरा कम होने लगा जी, ग्रेजुएटली कम हुआ। 8 point something से फर्स्ट 2 months के बाद 7 point something आया, देन 6 point something आया। तो फिर हमने एलोपैथिक स्टॉप करके कर्मा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 8.2 क्रिएटिनिन था, यानी कि किडनी जो थी वो लगभग 10% से कम काम कर रही थी जब हमारे पास आए थे, और ये रिपोर्ट है 18/7/2022 की, जब 8.23 क्रिएटिनिन इनका आ गया था। डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो नॉर्थ इंडिया की विश्वसनीय लैब मानी जाती है, उसके अंदर 8.23 क्रिएटिनिन आया हुआ है इनका। उसके बाद फिर एक और बार टेस्ट कराया गया, उसमें क्रिएटिनिन आ गया इनका 6.18 है। ये हुआ है 2/9/2022, इसके अंदर घटके हुआ है क्रिएटिनिन 6.18, 8.2 से 6.18 क्रिएटिनिन हो गया। फिर एक और बार टेस्ट कराया गया 13/8/2023, 4.05। सारे टेस्ट इन्होंने लाल पैथ से कराए हैं, 4.05 के आसपास क्रिएटिनिन आ गया, यानी कि 8 से लेके 4 क्रिएटिनिन आ गया। किडनी जो एक प्रोग्रेसिव डिजीज माना जाता है, सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज को, वो बड़ा नहीं और वो रिड्यूस भी होना शुरू हुआ, और बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स इनको नजर। फिजिकली क्या क्या प्रॉब्लम थी सुमन श्रीवास्तव जी को? फिजिकली जब क्रिएटिनिन 8 तक था तो बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस थी, ब्लड नहीं बन रहा था, वॉमिटिंग होती थी, खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, भूख नहीं लगती थी, बस यही था प्रॉब्लम। काफी दिक्कत थी, मतलब फिजिकली भी काफी परेशान हो रही थी, फिजिकली बहुत दिक्कत थी, और एकदम से ही उनका वेट लॉस होने लग गया था, कम हो गई जी, तो हीमोग्लोबिन भी कम, हीमोग्लोबिन कम हुआ, इसके वजह से दिक्कत हो रही थी जी। फिजिकली भी मतलब बहुत ज्यादा उस समय कठिनाइयां झेल रही, बहुत 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 कठिनाइयां थी। चलो बात यहां कौन आता सर, सिंपल सी बात है, कठिनाई थी तभी तो आए, ठीक बात। और यहां जब कुछ हमें लगा कि ठीक चीजें चल रही हैं तभी आज तक यहां पे बढ़ ले रहे। तो लगभग इनको 12 महीने हो चुके हैं मेडिसिन लेते हुए, इनको एक फिजिकली भी इम्प्रूवमेंट नजर आई, क्योंकि ये बहुत लेट स्टेज पे आए थे हमारे पास जब इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, क्रिएटिनिन 8 था, तो वो 8 से लेके 4 की रेंज में भी आ चुका है, और साथ साथ फिजिकली भी ठीक है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट है फिजिकली में? अभी नॉर्मल अपना वर्क, डेली वर्क कर लेती हैं, टहल लेती हैं, खाना पीना चल रहा है नॉर्मल, भूख लगती है प्रॉपर, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, और ब्लड भी ठीक है, अभी रिकवर मोड पे है ब्लड पहले से, हीमोग्लोबिन भी हमारा इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। चलिए बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है सर कि दवा से ज्यादा जो परहेज है आपका वो ज्यादा बढ़िया है, उसी के वजह से एक नहीं कम हुआ। देखिए एक परहेज इतना ज्यादा है इसको सीमा नहीं है। एक पानी का नलका है और नीचे हम सुखा रहे हैं, तो सूखेगा नहीं जब तक, सूखना भी जरूरी है और पानी भी बंद करना जरूरी है ऊपर से, तभी पूरा सूखेगा, है ना। तो दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, और दोनों जरूरी है। मेडिसिंस के साथ डाइट, योगा, एक्यूप्रेशर गाइडलाइंस, मेडिटेशन, सब चीजें बहुत जरूरी, होलिस्टिक अप्रोच जब की जाती है तो बहुत अच्छे चेंजेस नजर आते हैं। ऑर्गन बेस्ड अप्रोच नहीं है, हमें सिर्फ दवाई देके एक अंग को ठीक नहीं करना, पूरे शरीर को ठीक करना और ठीक रखना
जब रखने की तरफ देखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो अंग भी ठीक होने शुरू हो जाएगा। जब पूरे बॉडी की अंग का उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक ठीक होगा। परहेज तो बहुत करती है, नो डाउट, इतना परहेज करते हैं इसको ही सीना। अगर ये परहेज नहीं होता तो शायद रिजल्ट चरम सीमा पे थे जब आए तो ये उनका डिसिप्लिन और परहेज की जो उनकी क्षमता है बिल्कुल सही, उसका बहुत बड़ा योगदान है जो आज यहाँ। सही बात, बिल्कुल सही बात, और वो बहुत जरूरी है सभी पेशेंट्स में। कई बार पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में रिजल्ट नहीं आ पाते, उसका कारण एक ये भी महत्वपूर्ण होता है, वो परहेज करने में सक्षम नहीं होते। एग्जैक्टली, मन की दृढ़ता चाहिए इसके लिए। भाई सामने आपके कुछ पड़ा है आप, लेकिन फिर भी उसको नहीं ले रहे, तो आपकी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है। कंट्रोल है, आपकी अगर इंद्रियों पे आपका कंट्रोल है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक आपने बताई चीजें, तो लग के इन्होंने फॉलो करा और बहुत अच्छे से इनको रिजल्ट्स भी नजर आए और डायलिसिस से बाहर हैं। डॉक्टर सोलंकी ने भी बताया डायलिसिस की जरूरत नहीं है, परनामी में परमानंद में है जी, तो बताया उन्होंने। नहीं नहीं, अभी तो उन्होंने कहते कोई जरूरत नहीं जी। बहुत अच्छी बात है, तो क्रिएटिनिन भी काफी कम हुआ है और डायलिसिस की भी आवश्यकता नहीं है। ये लैब की मैंने तो नहीं बताई थी ना, यहाँ से कराना है। नहीं नहीं सर, देखो अगर टेस्ट कराओ तो मैं तो ये पर्सनली भी एडवाइस करूंगा किसी को लाल पैथ में ही कराओ, क्योंकि रिजल्ट उनके ज्यादा अवेलेबल होते हैं। और लाल पैथ का मैंने तो नहीं बोला ना। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, लाल पैथ तो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है कि टेस्ट कराओ यहाँ से कराओ वहां से कराओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा कि आप यहाँ से कराओ। तो कोई रिकमेंडेशन हम लैब की कभी भी नहीं देते हैं किसी भी पेशेंट को, और जहां से आप करा रहे हो वहां से कराओ और हर महीने में कराओ, और आपको रिजल्ट्स खुद नजर आएंगे, साइंटिफिक तरीके से नजर आएंगे। जैसे सुमन श्रीवास्तव के बेटे आज बैठे हैं शुभम, इनको रिजल्ट नजर आए हैं और बहुत से चेंजेस इनको नजर आए हैं, डायलिसिस से भी बाहर हैं, दृढ़ क्षमता दिखाई पेशेंट ने भी, और लग के उन्होंने ठान लिया कि डायलिसिस से बचना है, और 8 से 4 प्रेक्टिस इनका आ चुका है और बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए। तो आज मेरे साथ मिलकर बोलेंगे स्टॉप स्टॉप किडनी किडनी डायलिसिस।